हेलो गाइस, मैं तरन्नुम साकिब आप सबका वेलकम करती हूँ अपने कुकिंग चैनल में। तो आज मैं लेकर आ गई हूँ बहुत ही आसान तरीके से, डिफरेंट तरीके से बनने वाली बिरयानी की बहुत ही आसान सी रेसिपी, बहुत ही टेस्टी, जिसे बनाना तो बहुत आसान है और खाने में बहुत ही मज़े का है। तो जो न्यू है, वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरह की आसान आसान सी न्यू रेसिपी सीखने के लिए। तो फुल वीडियो में बने रहें, चलें बनाते हैं, वीडियो को स्किप नहीं करिएगा। तो बिरयानी बनाने के लिए यहाँ मैं ले ली हूँ 1/2 kg बासमती राइस और यहाँ 1/2 kg चिकन है जिसको मैंने अच्छे से क्लीन कर ली हूँ। राइस को जो वॉश करना है अभी। और यहाँ ले ली हूँ दही, ये कुछ, ये 100 ग्राम दही है। यहाँ अदरक लहसुन का पेस्ट है और बिरयानी मसाला है पाउडर। यहाँ मैं एक बड़े साइज़ की टमाटर को चॉप कर ली हूँ, मोटे स्लाइस में कटिंग की हूँ। यहाँ ले ली हूँ 4 हरी मिर्च, 5 लाल मिर्च और ये है 1 टीस्पून ज़ीरा काली मिर्च, 3 लौंग है, ये है जायफल छोटा सा टुकड़ा है, 2 बड़ी इलायची, 4 छोटी इलायची, स्टार फूल है जिसको मैंने हाफ तोड़ ली हूँ, जावित्री है, दालचीनी है। तो इसका मैं पेस्ट बनाऊँगी। और यहाँ रहा, ये है 250 ग्राम से ज़्यादा प्याज है जिसको मैंने स्लाइस में कटिंग कर ली हूँ बारीक सा। तो इसका बिरिस्ता बनाना है जो हमें चिकन के अंदर भी ऐड करना है और बिरयानी में तो बिरिस्ता ऐड होता ही है। और यहाँ मैंने ऑयल बिल्कुल अच्छे से गरम कर ली हूँ बिरिस्ता बनाने के लिए। तो मैं यहाँ प्याज ऐड कर देती हूँ बिरिस्ता के लिए, तब तक मैं मसाले का पेस्ट भी ऐड कर बना लूँगी। तो ये सारे प्याज मुझे ऐड कर देना है और इसका बिरिस्ता बना लेना है। और जब तक बिरिस्ता रेडी होगा मैं तब तक मसाले को पीस लेती हूँ। तो यहाँ मैंने मसाले का पेस्ट रेडी कर ली हूँ। तो सबसे पहले चिकन के अंदर मसाले का पेस्ट ऐड करूँगी, उसके बाद ये अदरक लहसुन का पेस्ट और ये गरम मसाला, बिरयानी मसाला जो है उसे ऐड कर दूंगी। और यहाँ दही ऐड कर देंगे। ये दही मैंने होममेड नहीं है, मार्केट से मंगाई हूँ, बेकरी से इजीली हमारे यहाँ मिल जाती है। तो जब भी बनाना होता है मैं मंगा लेती हूँ, घर का होता है तो उसे भी यूज़ कर लेती हूँ। और ये मैंने प्याज का बिरिस्ता बनाया है, तो ये 1/2 बिरिस्ता जो है मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी और 1/2 रख दूंगी मैं बिरयानी में तह के लिए। यहाँ मैं टेस्ट के मुताबिक 1 टीस्पून नमक ऐड करूंगी। एक अच्छा सा कलर आने के लिए 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड करेंगे, 1/2 टीस्पून के करीब चाट मसाला ऐड करेंगे, इससे बिरयानी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। यहाँ इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करके इसको आधे घंटे के लिए फ्रीज में रख देंगे। आप चाहें तो फ्रीज में रखें, नहीं तो आप रूम टेम्परेचर पे भी इसे आधे घंटे के लिए रख सकते हैं, 1 घंटे के लिए भी रख सकते हैं कि जो चिकन है वो मसाले को अच्छे से एब्जॉर्ब कर ले। तो यहाँ मैंने सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर ली हूँ। मैं इसे ढककर आधे घंटे के लिए फ्रीज में रखूँगी। तो यहाँ जिस कढ़ाई में मैंने बिरिस्ता बनाया था उसमें थोड़ा सा प्याज छोड़ दी थी और 2 तेज़पत्ते ऐड कर दी हूँ। प्याज का कलर जो है थोड़ा डार्क हो चुका है, बट आप ऐसा मत करिएगा। यहाँ मैं मसाले ऐड कर दूँगी। तो जो मसाले मैंने चिकन में मिक्स करके रखी थी फ्रीज में आधे घंटे के लिए, आधा घंटा हो चुका है, उसे डायरेक्टली ऐसे ही ऐड कर देंगे। तो ये बिरयानी इतनी आसान है कि जिसे नहीं भी आता होगा वो भी बना लेगा और जिसको मन भी नहीं करता होगा बनाने को वो भी बना लेगा। आप देख सकते हैं फुल वीडियो में बने रहें और कितना इजी तरीके से मैं बता रही हूँ, बना रही हूँ। तो यहाँ 2/2 मीडियम फ्लेम पे इसको अच्छे से कुक करना है। यहाँ मैं ढक दूँगी और तब तक इसको कुक करना है जब तक हमारे मसाले का कच्चापन दूर ना हो जाए, ऑयल नीचे से ना छोड़ दें, तब तक अच्छे से बीच बीच में चम्मच चलाते रहना है। तो यहाँ मैंने गैस पे पतीली रख दी हूँ। बहुत इजी तरीके से मैं आज बिरयानी का चावल भी बनाना बताऊँगी। तो यहाँ मैंने पतीली में ऑयल भी गरम कर ली हूँ, सॉरी मैं भूल गई थी दिखाना आपको। तो रिफाइंड ऑयल मैंने ऐड की हूँ। तो यहाँ ऑयल जो है वो बिल्कुल अच्छे से गर्म हो चुकी है। तो यहाँ 2 तेज़पत्ते,
दो बड़ी इलायची, चार छोटी इलायची, चार लौंग, स्टार फूल, दालचीनी, जावित्री ऐड करूँगी। यहाँ सारे मसाले चटक चुके हैं, यहाँ मैं चावल ऐड करूँगी। तो यहाँ मैंने चावल ऐड कर चुकी हूँ, चावल को अच्छे से मिक्स कर लूँगी। टेस्ट के मुताबिक चावल में नमक ऐड करूँगी, तो यहाँ मैं नमक 2 टीस्पून ऐड कर रही हूँ। यहाँ मैं 10 से 15 बूंद नींबू का जूस ऐड कर दूँगी, जो बीज चला गया है उसे मैं निकाल दूँगी। तो इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लूँगी। यहाँ चावल भून चुकी है तो पानी ऐड कर देंगे। तो यहाँ हाई फ्लेम करके ढक्कन लगा देंगे और जब ये बॉयल होने लगेगा तो फ्लेम को मीडियम कर देना है। तो चावल को एक बार ऊपर नीचे चला देंगे और इसको दम पे अच्छे से कुक कर लेंगे। तो यहाँ जो चावल है वो बिल्कुल अच्छे तरीके से देखें कुक हो चुका है, बिल्कुल अलग अलग चिपका भी नहीं है। ये नींबू डालने का, नींबू का जो जूस है उसे डालने से चावल हमेशा अलग अलग रहता है, चिपकता नहीं है। नहीं तो अक्सर आपने नोट किया होगा कि बासमती चावल जो है वो चिपकने लगता है। तो इसे मैं आधा खाली कर दूँगी। तो यहाँ मैंने चावल को आधा खाली कर, और यहाँ चिकन भी बिल्कुल अच्छे से रेडी है। तो मैं अब यहाँ पे चिकन का तह लगाना स्टार्ट करूँगी। तो यहाँ सबसे पहले चिकन ऐड करेंगे, बहुत इजी है, आपने देखा कितना जल्दी बन भी गया है, टाइम नहीं लगता इसे बनाने में बिल्कुल। और ये जो मैंने प्याज का बिरिस्ता बनाया उसे ऐड करेंगे, फिर वापस से चावल ऐड करेंगे। फिर उसी तरह से गोश्त ऐड करेंगे, अच्छे से चारों तरफ फैला देंगे, ऊपर से चावल ऐड कर देंगे। टू टीस्पून के करीब केवड़ा वाटर ऐड करेंगे। तो यहाँ मैं इसके ढक्कन से की हेल्प से ही ऐड कर दे रही हूँ, इससे क्या है बहुत ज़बरदस्त खुशबू आती है, टेस्ट भी अच्छी आती है। मैं यहाँ ग्रीन फ्रूट कलर ऐड करूँगी, ऑरेंज फ्रूट कलर ऐड करूँगी, इससे कलर बहुत अच्छा लगता है देखने में। उसके बाद इस पे प्याज का बिरिस्ता ऐड कर देंगे। तो देखिए मैं यहाँ धनिया पत्ती मिस करूँगी, नहीं ऐड करूँगी, उसे स्किप कर दूँगी। यहाँ टमाटर की स्लाइस ऐड कर दूँगी, यहाँ हरी मिर्च ऐड करेंगे। तो आपने देखा कितना आसान तरीका है बनाना, तो वीडियो देखें और फटाफट आप भी बनाएं। वापस से गैस को ऑन कर दूँगी, फ्लेम को मीडियम कर दूँगी और इसको ढककर 15 से 20 मिनट के लिए दम पे रखूँगी। तो यहाँ देखें दम लग चुकी है और देखें कितना अच्छी खुशबू भी आ रही है और भाप भी निकल रहा है। तो बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है और बहुत मज़े का टेस्ट भी आएगा। तो यहाँ हमारी बिरयानी बिल्कुल रेडी है। तो जिसको जिसको मेरी बिरयानी की ये रेसिपी पसंद आई है प्लीज़ मेरी वीडियो को आगे शेयर करिए। जो न्यू है वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे न्यू रेसिपी के साथ और इसी तरह आसान रेसिपी के साथ। तब तक के लिए आप सब बहुत सारा अपना ख्याल रखिएगा और रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा। टेक केयर।